सो अब सितंबर का जो महीना है दोस्तों, वो केवल आईफोन लॉन्च के लिए नहीं जाना जाएगा। ऐसा लग रहा है कि सितंबर के महीने में बजट स्मार्टफोन्स की भी एक पूरी छड़ी लगी हुई है। आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको पोको M5 की अनबॉक्सिंग दिखाई थी, और आज मेरे पास है रियलमी की तरफ से उनका नया बजट स्मार्टफोन Realme C33। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग 91 मोबाइल्स। मैं हूं शिवम चौधरी, और आज मैं इसी स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, साथ ही साथ इसके फर्स्ट इंप्रेशंस को भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले स्मार्टफोन को अनबॉक्स करते हैं, और यहां पर इसको स्लाइडर वाला जो बॉक्स है वो दिया गया है, तो यहां पर जो है फ्लैप वाला बॉक्स नहीं है, जिसमें सबसे ऊपर आपको ये एनवेलप देखने के लिए मिलता है। इस एनवेलप में आपको एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है, अपार्ट फ्रॉम इट कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसको रखते हैं साइड। बात करते हैं स्मार्टफोन की, तो स्मार्टफोन जो है वो यहाँ पर रैप्ड हमें मिलता है, कुछ इस तरीके से जो स्मार्टफोन है वो आपको रैप्ड मिल जाता है, और इसके डिज़ाइन की काफ़ी चर्चाएं हो रही थी दोस्तों, तो आइए देखते हैं कैसा है इसका डिज़ाइन। एंड यस, चर्चाओं के काबिल तो ये ज़रूर है, क्योंकि डिज़ाइन जो है देखने में काफ़ी यूनिक है, काफ़ी स्पार्कल्स आपको उस पर देखने के लिए मिल रही होंगी। हालांकि इसके बारे में डिटेल में बात थोड़ी देर में करेंगे, फिलहाल स्मार्टफोन को साइड रखते हैं और आते हैं यहाँ पर बाकी क्या कुछ दिया गया है बॉक्स में उस पर। तो यहाँ पर आपको एक चार्जिंग डॉक भी देखने के लिए मिल जाता है, ये है चार्जिंग डॉक। यहाँ पर जो मुझे परेशानी है इस डॉक के साथ वो ये है, केवल 10 वॉट का चार्जिंग डॉक है, जो इसका साइज़ है वो कुछ और कहता है, हालांकि केवल 10 वॉट का जो डॉक है वो यहाँ पर दिया गया है। साथ ही आपको यहाँ पर USB टू माइक्रो USB केबल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, टाइप सी केबल इसमें नहीं है। तो ये सभी कुछ है बॉक्स के अंदर, आइए स्मार्टफोन पर आते हैं। सो दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है 3 कलर्स में आता है, सैंडी गोल्ड, एक्वा ब्लू एंड ब्लैक कलर है, जिसको कंपनी यहाँ पर नाइट सी कलर बोलती है। और ये जो कलर है दोस्तों, इस पर आपको काफ़ी स्पार्कल्स देखने के लिए मिलते हैं। कंपनी इसको बोल रही है बाउंडलेस सी डिज़ाइन। जी हाँ, बाउंडलेस सी डिज़ाइन इसको कंपनी बोल रही है। यहाँ पर आपको रियलमी की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। देखने में स्मार्टफोन के जो लुक्स हैं वो काफ़ी सही है। एक खास बात और है, यहाँ पर जो कैमरा मॉड्यूल है उसके लिए अलग से कुछ पार्टीशन यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो मतलब इंटीग्रेटेड वाली फील आपको थोड़ी सी देने की कोशिश ज़रूर की गई है इसके कैमरा मॉड्यूल्स के साथ। अगर इसकी थिकनेस की बात की जाए, तो उस मामले में कंपनी इसको काफ़ी स्लिम बोल रही है, केवल 8.3 mm ये थिक है। हाथ में बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा मोटा भी स्मार्टफोन नहीं लगता है। हालांकि एक चीज़ से जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है, और वो जैसे ही मैंने अनबॉक्स किया था तभी से आ रही है, वो ये है कि इस पर जो फिंगरप्रिंट्स हैं दोस्तों, वो बड़े ईजीली आ जा रहे हैं, काफ़ी इरीटेटिंग हो जाता है। और साथ ही बॉक्स में केस भी नहीं दिया है, तो आपको थोड़े से जो पैसे हैं 100-200 रुपये, अगर आप एक नॉर्मल सा केस लेते हैं, वो ज़रूर इस पर खर्चने चाहिए, और खर्चने पड़ेंगे भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है स्मजेस की। और खासकर अगर आपके साथ भी मेरे वाली प्रॉब्लम है, हाथों में काफ़ी स्वेटिंग आती है, तब तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम इट, वापस आते हैं इसके डिज़ाइन पर। यहाँ पर इसकी जो बिल्ट है दोस्तों, इस पर मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहूँगा, ये प्लास्टिक नहीं है, PCPMMA मटीरियल का यूज़ कंपनी ने इस पर किया है, विच मीन्स की बेटर क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक आप इसको ज़रूर कह सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर इसके साइड प्रोफाइल्स की बात की जाए, तो जो स्मार्टफोन की राइट साइड है, वहां पर आपको पावर ऑन ऑफ की मिल जाती है, जिसमें फिंगरप्रिंट सेंसर इंटीग्रेटेड है। ऊपर आपको वॉल्यूम रोकर कीज देखने के लिए मिल जाती हैं। बॉटम पर अगर आप देखेंगे, तो आपको स्पीकर ट्रे मिल जाती है। डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि इसमें टाइप सी पोर्ट नहीं है, माइक्रो जो USB पोर्ट है वो इसमें दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर एक माइक्रोफोन दिया गया है, एंड एक 3.5 mm का जैक भी है। अगर आप इसके लेफ्ट पर देखेंगे, तो एक सिम ट्रे आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगर मैं इसको जैक करके आपको दिखाऊंगा, तो ये ट्रिपल सिम स्लॉट है, जिसमें आप दो सिम के साथ एक यहाँ पर माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं। कुछ इस तरीके से सिम ट्रे जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। टॉप पर कुछ भी नहीं, सेकेंडरी माइक्रोफोन वगैरह नहीं दिया गया है, और ये है स्मार्टफोन की ओवरऑल लुक। जो इसका प्राइस अगर होगा, उसके हिसाब से मतलब इस बजट सेगमेंट में आपको ऐसे स्मार्टफोन्स कम ही देखने के लिए मिलते हैं शानदार डिज़ाइन के साथ। तो अगर आप वो हैं जो कि आपको ग्लिटर्स, स्पार्कल्स या फिर काफ़ी वाइब्रेंट चीज़ें पसंद आती हैं, तो ये डिज़ाइन आपको स्मार्टफोन का ज़रूर पसंद आने वाला है। आइए बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। सो दोस्तों, फाइनली मैंने स्मार्टफोन को सेटअप कर लिया है, और डिस्प्ले की सबसे पहले हम बात करेंगे। डिस्प्ले के डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ, तो जो इसके बेजल्स हैं काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हैं, चिन भी स्पेशली अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ब्रॉड चिन यहाँ पर दी गई है, और जो यहाँ पर कैमरा दिया गया है उसके लिए ड्रॉप नॉच का इस्तेमाल किया गया है। सो यह है डिस्प्ले। हालांकि जो ब्राइटनेस लेवल है वो काफ़ी सही है, और रियलमी इस मामले में कभी डिसअपॉइंट करता भी नहीं है, ब्राइटनेस काफ़ी सही, अप टू 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। डिस्प्ले साइज़ की अगर बात करेंगे, 6.5 इंचेस के डिस्प्ले है, ये एक HD स्मार्टफोन है, HD+ डिस्प्ले है, फुल HD+ डिस्प्ले नहीं है। अपार्ट फ्रॉम इट 400 निट्स की ब्राइटनेस आपको देखने के लिए मिल जाती है, और साथ ही साथ 120 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट इस पर मिल जाता है। स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट है विच इज़ 60 हर्ट्ज़, तो उसके साथ आप ज़्यादा छेड़खानी यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, बट यस, डिस्प्ले इज क्वाइट
स्मूथ। अब आते हैं इसके परफॉर्मेंस पर। सो हार्डवेयर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको यूनी एसओसी T612 जो है वो चिपसेट मिलता है और एंड्रॉयड 12 ये स्मार्टफोन है। एंड्रॉयड 12 बेस्ड आपको रियलमी UI वर्जन S एडिशन इसके ऊपर दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम इट 64GB की इंटरनल स्टोरेज है, 4GB की इस पर आपको रैम मिल जाती है। खैर अपग्रेड वगैरह तो आपको माइक्रो SD कार्ड के थ्रू इसको कर ही सकते हैं। जहाँ तक बात आती है दोस्तों स्मार्टफोन पर मिलने वाली बैटरी की, तो 5000 mAh की बैटरी है। हालांकि केवल 10W का चार्जर है तो काफ़ी स्लो चार्जिंग आपको इसके साथ देखने के लिए मिलने वाली है। अपार्ट फ्रॉम इट अगर इसके ऑडियो वगैरह की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 3.5 mm का जैक इस पर देखने के लिए मिल जाता है। सिंगल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट है और इसके अलावा यहाँ पर साइड फिंगर सेंसर मिल जाता है। कैसा काम करता है मैं आपको आइए टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ओके तो प्रिटी क्विकली ये जो सेंसर है वो यहाँ पर खुल जाता है। हालांकि अगर स्वेटिंग वगैरह आ रही है तो हल्का सा जरूर स्ट्रगल कर रहा है माइनर सेकंड्स का। एटलास कैमराज की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 50 MP का प्राइमरी लेंस मिलता है। सेकेंडरी लेंस जो है उसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं दी गई है, ना कंपनी ने जो स्पेसिफिकेशन शीट प्रोवाइड की है उसमें उसके बारे में कुछ जिक्र है। हालांकि मैं यहाँ पर गेस कर रहा हूँ कि ये VGA कैमरा है, 0.3 MP का आपको मोनोक्रोम लेंस वगैरह ही देखने के लिए मिल सकता है। जो भी होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो अपडेट कर दिया जाएगा। फ्रंट पर 5 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है और अगर इसके कैमरा UI में हम चलें तो मैं आपको वही बता दूँ, मैंने चेक किया था काफ़ी बेसिक जो है वो फीचर्स आपको वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। वीडियो मोड है 1080p और 30 FPS तक मैक्सिमम जा सकते हैं। फोटो मोड है, पोर्ट्रेट है एंड मोर के अंदर आपको प्रो मोड भी इसमें मिल जाता है। खास बात यह कि एक हाई रेजोल्यूशन मोड जो है वो भी यहाँ पर रखा गया है। सो दैट्स ऑल अबाउट द कैमरा थिंग। बाकी मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो यही बोलते हैं स्मार्टफोन के कि डिज़ाइन पर नो डाउट कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन बाकी सब काफ़ी चीज़ों में कॉस्ट कटिंग की गई है। जैसे कि इसमें माइनर चीज़ें हैं, केस वगैरह भी प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा अगर ध्यान दे दिया जाता तो ये एक अच्छा पैकेज स्मार्टफोन हो सकता था। खैर अगर आप एक केवल गुड लुकिंग स्मार्टफोन देख रहे हैं देन यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस स्मार्टफोन। और बाकी आपको कैसा लगा स्मार्टफोन कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को उसके रिव्यू में देखेंगे। यही थी आज की वीडियो दोस्तों, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट रह जाता है कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हैं। मैं हूं शिवम चौधरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।